ये लड़कियां जब भी स्नैपचैट पे भाई भाई साइड तियाना भी आ गए कॉफी लेके। ओह आई फाउंड। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज तो भाई बारिश ऐसी हो रही है ना, मत पूछिए। 4-5 दिन हो गए कंटिन्यू बारिश हो रही है। बारिश ने बहुत परेशान कर दिया। अभी आ चुका हूँ मैं ड्यूटी। सत्याना भी आ गए कॉफ़ी लेके। थैंक यू सो मच सत्याना, यू ब्रिंग द कॉफी। दिस लाते, थैंक यू। हमारे साथ आप जानते हो ना, मेरे साथ काम करते हैं जो कैडविन किचन में साथ में, तो आज बाहर है। Why are you sighing? No, I'm trying. Look at him, he's sighing. No, he don't sighing. I'm, so you told her. तो यहाँ पे रीना, मिस रीना का बन रहा है एप्पल क्रम्बल। I gonna shoot you and don't sigh. ये लड़कियां जब भी स्नैपचैट पे ऐसा वो फोटो खींचती है ना, तो बाप रे इतना इतना फेस का एक्सप्रेशन देती है। लेकिन जैसे मैं अपना अपना कैमरा खोलता हूँ तो इतना शर्मा, अभी तक कितना शर्मा रही है, अभी सही हो गया। Can you just tell something about yourself, people? I'm a really nice person and... Oh, hello. I didn't know I get a little microphone. Hi. I'm Rina and... Sanjay is my favorite chef. Thank you. 100%. Thank you so 100%. Much. Yeah. Favorite chef here. तो काम तो फिनिश हो चुका है, लेकिन आज है हमारे पास 30 लोगों की बुकिंग और हमारी ड्यूटी फिनिश हो चुकी है। अभी बज रहे 9, लेकिन वो है 11 बजे। तो यहाँ पे अक्सर होता रहता है कि ड्यूटी फिनिश हो जाती है, लेकिन 9 बजे ड्यूटी हम सबकी फिनिश होती है, लेकिन पार्टी आ जाती है 11 बजे 10:30 बजे, तो फिर रुकना पड़ता है। तो ऐसा सा सीन है होटल वालों का, क्या करें, काम करना ही पड़ता है। देखो सारी पागल लड़कियां हैं, सारी पागल। ओह आई फाउंड यू। तैतियाना बोल रही है कि अरे क्या हो गया आज इतना, आज किचन का आप लोग टाइम हो गया लेकिन अभी तक गए नहीं, तो क्या बताएं। अचानक पार्टी, यहाँ पे समर टाइम पे ऐसे होता है, जैसे 9 बजे ड्यूटी फिनिश हो जाती है हमारी, लेकिन तुरंत उसके बाद कोई बुकिंग आ जाती है कि चलो उनको फिंगर फूड चाहिए, जैसे सैंडविच हो गया या कुछ स्नैक्स वगैरह। तो एंड टाइम पे घर जाते टाइम आ जाते हैं सभी। और ये हमने सेट कर दिया है सारे सॉस वगैरह पार्टी के लिए, ये हमारा फिंगर फूड जाएगा। ये स्प्रिंग रोल है और ये सॉसेजेस और ये पोटैटो वेजेस और ये बारबेक्यू सॉस और गार्लिक मायो। तो आप लोग जितने भी होटल में काम करते हो ना इंडिया में, तो आप लोगों को लगता होगा अरे बाहर की लाइफ कितनी अच्छी है, क्या मजे कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, जितना काम इंडिया में है ना, उससे 4 गुना हार्ड काम है यहाँ पे, 4 गुना हार्ड काम है। ज़्यादा स्ट्रेस है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैन पावर कम है, लोग कम है, बहुत कम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोग कम है, अकेले ही करना आपको सब। इंडिया में तो कैसा होता है आपको एक एक सेक्शन में 4-4, 5-5, लेकिन यहाँ पे आप पूरे किचन में अकेले रहते हो कभी कभी, तो बता लिए क्या सीन होता होगा। सारा काम आपको खुद ही करना पड़ता है। और हमारे शेफ सेफ, तो इंडियन आर्मी बोल सकते हैं हम सेफ को, इंडियन आर्मी 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 की तरह है शेफ एकदम। भाई साहब 40-45 उम्र हो गई, लेकिन ऐसा भागते हैं ना क्या बताऊं, इतनी स्पीड। और यहाँ पे मतलब सेफ कुछ खाते ही नहीं, यहाँ पे मैंने कभी ऐसा खाते हुए नहीं देखा। मतलब वो बोलते हैं मुझे खाना तब पसंद है जब मतलब मैं रूम पे जाता हूँ, नहा देता हूँ आराम से। मतलब यहाँ पे पूरा कभी कभी 13-13 घंटे भी ड्यूटी करते हो, लेकिन कभी कुछ नहीं खाते, पानी के अलावा पानी पीते हैं बस, पानी के अलावा कुछ नहीं खाते हैं। बोलते हैं मुझे जब तक मैं नहा नहीं लिया, आराम से बैठ नहीं गया तब खाऊंगा। मतलब कितनी भूख लग जाए इनको, लेकिन खाते नहीं यहाँ पे। इंडिया में आप लोग देखते होंगे अलग अलग सेक्शन है, पेंट्री है, काउंटी है, इंडियन है, तंदूर है, चाइनीज है, आपका स्वीट का अलग है, पेस्ट्री का अलग है। लेकिन यहाँ पे ना एक ही किचन है और आप अकेले हो, आपको पेस्ट्री बनानी है कुछ और तो खैर सब खुद ही करना है। पर अन्य कितने सारे इंडिया में कितने सारे हेल्पर होते हैं आपके पीछे, आप बोलते हो चलो ये लाओ वो लाओ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सब काम आपको खुद ही करना पड़ता है। बाहर आने का मतलब है कि आराम को हराम करना। अगर जो बाहर आ गया भूल जाइए आराम से, फिर आपको जैसे इंडियन आर्मी में होता ना वैसी वैसी लाइफ है यहाँ पर, एक पल आराम नहीं है इंडियन आर्मी की तरह। एक कहावत भी है कि इंडियन आर्मी के बाद अगर कोई दूसरी सबसे डिफिकल्ट जॉब है ना, तो है होटल वालों की। जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जॉब करते हैं ना, तो इंडियन आर्मी के बाद हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की लोगों की हार्ड जॉब है। अभी जैसे रूम में आया ना, पूरा रूम में वो मटर की दाल की खुशबू आ रही है कि मैं दिन में चढ़ा के गया था दाल को। मतलब
4 घंटे पहले चढ़ा के गया था मैं, क्योंकि ये कुकर नहीं है ना हमारे पास, तो ऐसे ऐसे चढ़ा देते हैं, चढ़ा देता हूँ मैं दाल को, और फिर 3-4 घंटे के लिए स्लो फायर में पूरा अच्छे से पक भी जाता है। तो अभी मैं आया था एकदम, पूरे रूम में मटरी मटरी खुशबू आ रही है। तो अभी कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे दाल बनाने का, आया तो काफी लंबी टूर, कम से कम 12 घंटे की ड्यूटी करके आया हूँ आज, बहुत बिजी था। और अब देखो लाइफ यहाँ की, अभी 12 घंटे की ड्यूटी करके अभी खुद के लिए भी खाना बनाना है, दिन भर गेस्ट लोगों के लिए खाना बनाया और अभी अपना अपने लिए खाना बनाना है। यहाँ पर दाल का तड़का लगाना शुरू हो चुका है। तो गाइस खाना मैंने सब बना लिया और थोड़ा नहा लिया, और अभी जाके हल्का लग रहा है, नहीं तो काफी थक गया था आज। और अभी नीचे उन लोगों का भी शुरू हो गया, जिसको नाच वगैरह, बस अभी पीते रहेंगे रात भर और डांस करते रहेंगे, साउंड तो आ ही रहा होगा आपको पीछे से। भैया ऐसे करते हैं रात भर ये 2-3 बजे तक। अभी वो नीचे वो डिस्को वगैरह भी है ना, पब वगैरह है नीचे, तो बस अभी नाचते रहेंगे नीचे, पीते रहेंगे अभी आज और कल, मतलब वीकेंड में। तो अभी समर के टाइम, गर्मियों के टाइम, तो अभी वीकेंड में भी ऐसे ही चलेगा रात भर, 3-3 4-4 बजे तक रहते हैं नीचे, ऐसी नींद खराब करते हैं हमारी। समर में ऐसे ही होता है यहाँ पे, मतलब आते हैं लोग वीकेंड में और 3 बजे 4 बजे तक रहते हैं ऐसे ही, डम 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 नीचे से आवाज़ आती है। वो तो अच्छा है, थोड़ा मेरा रूम पीछे की तरफ है, मतलब पीछे की साइड है थोड़ा, तब जाके वहाँ पे ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है, लेकिन यहाँ पे किचन में बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, वहाँ तक भी आता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आता है। तो गाइस फाइनली करते हैं इस ब्लॉग को एंड, होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर आपको न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, जय हिंद जय उत्तराखंड।